सही कर दिया अध्यक्ष महोदय, इसमें भी हमें आगे बढ़ने नहीं दिया। अलग अलग तरीके से सरना धर्म कोड अध्यक्ष महोदय, अभी लंबोदर जी बोल रहे हैं कि हमको आदिवासी में शामिल करो, हमको आदिवासी में शामिल करो। यहाँ तो आदिवासियों का हालत खराब है, ये हम लोगों का तो कोई धर्म कोड नहीं मिला, हम कहाँ जाए, ये हमारी स्थिति बड़ी है। वो और मथे पर घुसने जा रहे हैं, कहाँ जाइएगा आदिवासी बन के, कहाँ जाइएगा? अभी तो हम रास्ता ढूंढ रहे हैं कि हमें भी घर मिले। को जहाँ तक को सवाल ले दिया हेमंत सोरेन बीजेपी नेता जी, तुमने क्या क्या 5 साल के अंदर में चेंज है, वो सब बाम चाहिए। फाइनली उनिया सवाल जवाब है कांतिया, तीन उनिया सदन रे लास्ट है कांतिया, और तीन उनी ताबड़तोड़ जवाब एम का ओका बीजेपी नेता। जहाँ ना गे हुएन, जहाँ ना कमी हुएन, से जहाँ ना योजना हुएन, से सरना कोट हुएन, से सरना धर्म हुएन, से आदिवासी जहाँ तक हित लिए रोड का जो के हुई कना से बाम हुई कना, जो नुहा लेकर ना वीडियो रे जो पे ना वीडियो रे चिदा जे जहाँ तक की बीजेपी उनु चितान रे एफआईआर को दर्ज ला से जेल को जेल दिया से जहाँ तक से अड़जस्टिंग सदन को रोड करे मानते हैं सबा नीत भी ते उनिया ताबड़तोड़ भाषण है कांते हैं सदन रे लास्ट दिन तीन थे कांते हैं और तीन के बाद ना उन्हें सदन रे को यहाँ इलाज बनुआ डायनामा के बाद गेन उन्हें को एंट्री है मानते हैं नया सरकार के बाद ये तो चे मन का ना अपील आपे नुआ वीडियो की इनका विषय क्या है इनको खुद ही पता नहीं है अध्यक्ष चलिए और आज यहाँ राजनीतिक एजेंडों के तहत अपने कार्यों में लगे। अध्यक्ष महोदय आपके इस मानसून सत्र को सुचारू रूप से और अपनी धैर्यता का परिचय देते हुए सदन को संचालित किया है, इसके लिए मैं आपको साधुवाद देता हूं। इस क्रम में जो प्रथम अनुपूरक बजट 4,833 करोड़ के लगभग का है वो पारित हुआ, इसके लिए भी मैं आपको धन्यवाद देता हूं, सदन को धन्यवाद देता हूं। और इस क्रम में अध्यक्ष महोदय सदन में वक्तव्य हेतु प्राप्त कुल ध्यान आकर्षण लगभग जिसकी 28 संख्या है और स्वीकृत कुल ध्यान आकर्षण की सूचनाएं लगभग 22 की संख्या है और उत्तरित कुल ध्यान आकर्षण की सूचनाएं 2 हैं, अपृष्ठ हुए ध्यान आकर्षण सूचनाएं 1 है, सुपुर ध्यान आकर्षण सूचनाएं 19 है। अध्यक्ष महोदय देखिए कैसे माहौल बना रहे हैं, आप अपना भाषण करिए भाई, बार बार तो बोल रहे हैं, आप अपना भाषण करिए। इसी को कहते हैं मीठा मीठा गाप गाप, कड़वा कड़वा थू थू। अध्यक्ष महोदय ये इनका काला चिट्ठा है, अध्यक्ष महोदय इन्होंने ये 5 साल में क्या अर्जित किया है ये इनका कच्चा चिट्ठा है। अध्यक्ष महोदय इन्होंने विगत 5 साल में कितनी जमीनें लूटी, कितने भवन बनाए, और चोरी नहीं अध्यक्ष महोदय इन लोगों ने डाका डालने का काम किया था। ये 2400 जिले का भाजपा के ऑफिस का फोटोग्राफ है अध्यक्ष महोदय, ये 2400 जिला का है अध्यक्ष महोदय, और कुछ जिले में तो जमीन के लिए मर्डर भी हो गया अध्यक्ष महोदय, एक एक नहीं दो दो मर्डर हुए हैं और उस पर भाजपा का कार्यालय बना है अध्यक्ष महोदय। और ये जमीन लुटेरे हमें बताते हैं अध्यक्ष महोदय, जेल में हमें डालते हैं, सीबीआईडी को हमारे पीछे लगाते हैं, इनके पीछे ये जाने सीबीआईडी नहीं लगती है अध्यक्ष महोदय। ये देखिए और इनसे पूछिए कि इन 5 वर्षों में जो ये बिल्डिंगे बनी, ये बिल्डिंगे का पैसा कहां से आया, और ये और अध्यक्ष महोदय सुन के तो आप हैरान रह जाएंगे कि इसमें तो कुछ ऐसे गैर मजरा जमीन सरकारी जमीन में भी इन लोगों ने पार्टी ऑफिस बना लिया अध्यक्ष महोदय। ये दस्तावेज है अध्यक्ष महोदय इनका, अब हम क्या बोले इनको,
राजहित की सवाल पूछते हैं तो क्या जवाब से कोई लेना देना अध्यक्ष महोदय नहीं है, ना सदन के अंदर ना सदन के बाहर। ये जनता को लेकर छल परपंच झूठ फरेब का ये दुकान चलाते हैं अध्यक्ष महोदय। कुछ लोग यहाँ, कुछ लोग पाकुड़ में, कुछ लोग जमशेदपुर में, अलग अलग राज्य के कोने में, क्योंकि इनकी जमात बड़ी है अध्यक्ष महोदय, सबू बड़े हैं, तो इस तरीके से इंपोर्ट करके लोगों को ला करके अलग अलग जगह से अलग अलग दिग्भ्रमित वाले जवाब देते हैं। और तो और एक मुख्यमंत्री तो ऐसे हैं जो उनके राज्य में बाहर से लोग डूब रहे हैं, वहां वो भ्रमण करने नहीं जाते हैं, लेकिन वोट बैंक बटोरने के लिए झारखंड में भ्रमण करने के लिए रोज आ रहे हैं। बड़ा अजीब हालत है। हम वहां के बाढ़ पीड़ितों को रुपया बेचते हैं और यहाँ पर ये समाज का विभाजन में वो यहाँ आकर के दौरा करते हैं। बड़ा अजीब हालत है अध्यक्ष महोदय। चिंता मत करो, आसाम से झारखंड लोग नहीं आए हैं, झारखंड से आसाम गए हैं। चुनाव आने दो, यहाँ तो छोड़ो, आसाम में भी सफाया हो जाएगा आपका, चिंता मत करो। अध्यक्ष महोदय, और नियुक्ति की बात करते हैं अध्यक्ष महोदय, हम लोगों ने गैर सरकारी संस्थानों में तो लगभग 1,00,000 से अधिक लोगों को नियुक्ति दे दी अध्यक्ष महोदय। वो तो मैं खुद अध्यक्ष महोदय कई जिलों में जाकर के हजारों बच्चों को, नौजवानों को नियुक्ति पत्र अपने हाथ से दिया, इसी हाथों से दिया था। और आज वो बच्चे देश और विदेशों में स्वरोजगार और अलग अलग कंपनियों में नौकरी करके अच्छे पैसे कमा रहे हैं अध्यक्ष महोदय। सरकारी नौकरी अगर हम बात करें तो सरकारी नौकरी में तो 20 साल में इन लोगों ने नियमावली नहीं बनाया अध्यक्ष महोदय। जितनी भी नियुक्तियां हुई उन सभी नियुक्तियों का नियमावली हमें आज बनाना पड़ा अध्यक्ष महोदय। और तो और अध्यक्ष महोदय, यहाँ के नौजवानों को सही, यहाँ के आदिवासी मूल वासियों को अधिकार मिले उसके लिए नियोजन नीति बनाया, स्थानीय नीति बनाया, लेकिन इन नालायकों ने उसका भी बंटाधार कर दिया अध्यक्ष महोदय। ये पीठ पर छुरा मारते हैं अध्यक्ष महोदय, सामने से वार करने की क्षमता इनमें नहीं है। और ये कोर्ट कचहरी गवर्नर के माध्यम से सरकार को बदस्त करने का प्रयास होता है अध्यक्ष महोदय। पूछे कोर्ट में जो नियोजन नीति के खिलाफ कौन गया था तो पता चलेगा अध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता कोर्ट में जाकर के अर्जी डाल करके हमारे नियमों का रोकने का काम करता। और बड़ा विचित्र अध्यक्ष महोदय, हम यहाँ के मूलवासी आदिवासियों के लिए कानून बनाए वो असंवैधानिक, और दूसरे राज्यों में यही कानून बने तो संवैधानिक। बड़ा विचित्र हालत है। फिर भी अध्यक्ष महोदय सुनिए ना, हमने कदमे नहीं रोकी, आप बोल रहे हैं सुनेंगे, सुनिए। आपको याद होगा अध्यक्ष महोदय, झारखंड वैज्ञानिक सहायक प्रतियोगिता परीक्षा 2000 पूरा किया। आप लोग सुनने का बात बोले थे लेकिन हल्ला कर रहा है, आप लोग कमिटमेंट से पीछे हट। रिम्स में ग्रेड ए ग्रेड के नर्सेस का हम लोगों ने नियुक्ति निकाला अध्यक्ष महोदय। लिपिक पदाधिकारी, लिपिक लेखा पदाधिकारी का नियुक्ति किया अध्यक्ष महोदय, जहां हम लोगों ने इन नियुक्तियों में 83% यहाँ के आदिवासी मूल वासियों को नियुक्तियां दी है अध्यक्ष महोदय। और किसी किसी में तो 100% अध्यक्ष महोदय यहाँ के आदिवासी मूल वासी नियुक्त हुए हैं अध्यक्ष महोदय। क्या बात करेंगे अध्यक्ष महोदय, इनको हम आईना दिखाएंगे तो आईना भी शर्मा जाएगा अध्यक्ष महोदय इनके चित्र को देखने के लिए। अध्यक्ष महोदय कई ऐसे ही है, पंचायत सचिव, पंचायत कर्मचारी, कर्मचारी वरीय लेखा पदाधिकारी, आईटीआई परिशिक्षक अध्यक्ष महोदय,
कनीय अभियंता, सहायक अभियंता, असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति अध्यक्ष महोदय, बिंदु बार बार सुनिए, नाटक प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता हम लोगों ने कराया, प्रतियोगिता हम लोगों ने कराया अध्यक्ष महोदय, कृषि पदाधिकारी नियुक्ति हम लोगों ने इस अलग राज होने के पहली बार कराया अध्यक्ष महोदय, पशु चिकित्सक अध्यक्ष महोदय पहली बार अलग राज होने के बाद हम लोगों ने नियुक्त किया अध्यक्ष महोदय, आयुष चिकित्सक नियुक्त किया अध्यक्ष महोदय, उद्यान पदाधिकारी नियुक्त किया अध्यक्ष महोदय, दंत चिकित्सक नियुक्त किया अध्यक्ष महोदय, और कितना गिनाना चाहते हैं आप लोग, और कितनी आप लोग कागज कलम रखिए और लिखना प्रारंभ कीजिए अध्यक्ष महोदय, ये लोग किस विषय पर बात करेंगे अध्यक्ष महोदय, ये पूरे 5 साल का ये चुनाव के अंतिम चरण पर है, ये मानसून सत्र है, और ये लोग कहते हैं कि अंतिम सत्र है, ये अंतिम सत्र नहीं, ये अनवरत चलने वाला सत्र है, ये अभी भी चलेगा और आने वाला समय में भी हम ही लोग सत्र को आहूत करेंगे अध्यक्ष महोदय, आपके दिशा निर्देश के अनुरूप अध्यक्ष महोदय, महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, इनके महिला सशक्तिकरण का आलम यह है कि 5 साल में इन लोगों ने मात्र 600 करोड़ रुपया जेएसएलपीएस को दिया अध्यक्ष महोदय, और हम लोगों ने 10,000 करोड़ रुपया महिलाओं के बीच में बांटने का काम किया अध्यक्ष महोदय, और इतने झंझावतों के बाद राज अलग होने के बाद कोरोना आया अध्यक्ष महोदय, एक भी राज्य में आईसीयू का बेड नहीं था, किसी हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं थी, किसी भी हॉस्पिटल में ऐसे आपत व्यवस्था में कोई व्यवस्था इन लोगों ने 5 साल में नहीं किया अध्यक्ष महोदय, आज जाकर के देखिए कि आज सरकारी अस्पतालों में, ये मैं मानता हूँ अभी भी उसमें बहुत काम बाकी है, अभी अभी कल परसों हमारे एक मंत्री इरफान भाई की माता जी का देहांत हुआ, और उस समय वो प्राइवेट अस्पताल में गई जहां ऑक्सीजन नहीं था, और पता चला सरकारी हॉस्पिटल में ऑक्सीजन पड़ा हुआ था। अध्यक्ष महोदय ऐसे नहीं है अध्यक्ष महोदय कि हम लोगों ने काम नहीं किए, अध्यक्ष महोदय मैं इनका एक एक, अध्यक्ष महोदय हम लोगों ने विगत अपने इस कार्यकाल में पारा शिक्षक के मानदेय में 50% का बढ़ोतरी किया अध्यक्ष महोदय, एक मुक्त और एवं 4 वर्ष वार्षिक वृद्धि जिसके ऊपर 600 करोड़ रुपए सरकार ने खर्च किए, आंगनबाड़ी सेविका के मानदेय में 50% की एक मुक्त वृद्धि एवं 3 वर्ष वार्षिक वृद्धि की हम लोगों ने अध्यक्ष महोदय, उसमें 150 करोड़ रुपए का खर्च हमने किया, आंगनबाड़ी सहायिका का मानदेय सेविका का मानदेय सभी का 50% बढ़ाया अध्यक्ष महोदय, प्रखंड कर्मचारी पदाधिकारी शिक्षकों का 40% हम लोगों ने मानदेय बढ़ाया अध्यक्ष महोदय, प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी जो मनरेगा के अंतर्गत आते हैं अध्यक्ष महोदय, उसमें 25% की बढ़ोतरी हम लोगों ने की अध्यक्ष महोदय, रसोईया का मानदेय में 100% हम लोगों ने बढ़ोतरी की अध्यक्ष महोदय, जो लगभग राज्य के 100 करोड़ रुपए इसमें खर्च हुए, रोजगार सेवक अध्यक्ष महोदय हमारे राज्य में बड़े पैमाने में कार्यरत हैं, इनके 50% हम लोगों ने मानदेय बढ़ाया अध्यक्ष महोदय, जिसमें राज्य सरकार को 30 करोड़ रुपए का खर्च वहन करना पड़ा अध्यक्ष महोदय, अनुबंध कर्मियों के मानदेय वृद्धि में लगभग 1,250 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष अतिरिक्त प्रावधान किया गया अध्यक्ष महोदय, एवं लगभग 500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रावधान प्रस्तावित भी है अध्यक्ष महोदय, और अध्यक्ष महोदय अभी हम लोगों ने, हम गर्व से कहते हैं अध्यक्ष महोदय, जो विगत 5 सालों में हम लोगों ने किया, इन लोगों ने 20 वर्षों में तो छोड़िए 50 वर्षों में भी नहीं कर पाते अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय इनका यही तरीका है, अब कुछ नहीं मिला तो ऐसे आचरण में आओ
कि ना हम करेंगे ना करने देंगे, ना खाएंगे ना खाने देंगे की फॉर्मूला पर चलते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है अध्यक्ष महोदय, किसी को खाने नहीं देंगे बल्कि सब हम हजम कर जाएंगे। और यही वजह है अभी लोकसभा चुनाव में हल्का सा आईना दिखाया गया है, विधानसभा में पूरा का पूरा फुल लेंथ का आईना आपको दिखाया जाएगा, चिंता मत कीजिए। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, बताए अध्यक्ष महोदय, ये खाली हल्ला करने आए हैं अध्यक्ष महोदय, और इस हल्ला गुल्ला में कितना आदमी बोलेगा। अब वही कहावत है कि लोग हल्ला करते रहे, हाथी चले अपना रास्ता, वही हमें ना अपना अपना आप अपना बोलिए। अब हम क्या बोले, अब इनका कुछ ही नहीं है। अध्यक्ष महोदय, नियोजन नीति इन लोगों ने लटकाया, आप लोग सुनने का कमिटमेंट किए थे, इन लोगों ने बोले तो सुनेंगे। अध्यक्ष महोदय, ये बड़ा ही विचित्र है, 27% का आरक्षण जो हम लोग पिछड़ों को देना चाहते हैं उसको भी इन लोगों ने, दरअसल आप और आदिवासी बनने की बात कर रहे हैं, तो स्थिति ये है अध्यक्ष महोदय। आज ये विषय इनके पास नहीं, डेमोग्राफी इनका बिगड़ता इनको दिखता है, हिंदू मुस्लिम दिखता है, आदिवासी गैर आदिवासी दिखता है। अभी इनका विरोध का तरीका देख रहे थे अध्यक्ष महोदय, ये लोग बालू बेच रहे थे बाहर में, फोटो आया है बड़ा बड़ा इनको छपा हुआ इन लोगों सोशल मीडिया, ये व्यापारी यही करेंगे अध्यक्ष महोदय, पूरा देश बेच दिया इन लोगों ने। अब बालू तो छोड़ दीजिए, इन लोगों ने रेल बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, पोर्ट बेच दिया। अध्यक्ष महोदय, इन लोग ये वो नालायक लोग हैं अध्यक्ष महोदय, जो घर के अंदर जो बूढ़ा बुजुर्ग संपत्ति रखता है ना, जिस सुख दुख में लोग उपयोग में लाते हैं, उन बुजुर्गों का सारा संपत्ति बेच करके ये लोग खा गया अध्यक्ष महोदय, और इनके व्यापारी मित्र मोटे पे मोटे होते गए अध्यक्ष महोदय। आज अरबों रुपया का ऋण माफी व्यापारियों का होता है, लेकिन किसानों का ऋण माफी करने में इनकी जान निकलने लगती है अध्यक्ष महोदय, और अपने हक अधिकार के लिए किसानों की जान तक जाती है, इनकी आंख में एक बूंद पानी नहीं आता है अध्यक्ष महोदय। और हमारी सरकार ने यह निर्णय लिया कि हम लोगों ने 50,000 का ऋण माफी किसानों का करने का काम किया। अभी अध्यक्ष महोदय, आने वाला समय में और किसानों के ऊपर विपत्ति आने हैं, और हम अभी इस बात का निर्णय कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय, किसानों को और क्या राहत दे, और उसका हम और ऋण माफी करने की स्थिति में है, तो हम निश्चित रूप से उसका ऋण का दायरा को भी बढ़ाने का काम करेंगे अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, बातें बहुत है, अगर हम इनका बात, ये हमारी किताब दिखा रहे हैं, बताइए हमारी किताब मुझे दिखा रहे हो, अजीब हालत है। उस किताब का जवाब ये है, आप इस किताब का जवाब ये है, ये आप लेके जाओ, और बेरोजगारी की भत्ता की बात करते हो, जाके पता कर लो कि प्रखंडों में बेरोजगारी भत्ता जो नौजवानों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। हाँ, ये बात जरूर है कि पूरे राज्य के प्रखंडों में नहीं मिल रहा है, लेकिन ये भी अब पूरे राज्य के प्रखंडों में भी बेरोजगारी भत्ता नौजवानों को दिया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, मैं ये सदन का आश्वस्त करना चाहता हूँ। अध्यक्ष महोदय, आज हम लोगों ने मुख्यमंत्री मैया सहायता राशि देने का निर्णय लिया है अध्यक्ष महोदय, सहयोग राशि हम लोग दे रहे हैं अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, इसमें लगभग 50,00,000 महिलाओं को हर महीना 12,000, हर साल 12,000 रुपया हम लोग उनके खाता में देंगे अध्यक्ष। आप अंदाजा लगाइए अध्यक्ष महोदय, किसी घर में अगर 3 महिलाएं हैं तो कितना रुपया उस घर में जाएगा। और सरकार का ये लक्ष्य है, आने वाला समय में हमारी सरकार आएगी और हर घर में 1,00,000 रुपया पहुंचाने का काम हमारी सरकार करेगी।
आप लोग अनुकंपा में रह जाइएगा। आप 20 हैं तो आप 5 में आ जाएंगे, डबल डिजिट भी नहीं आएंगे, आप देख लीजिएगा। अध्यक्ष महोदय, बहुत बातें हैं, इनको तो हम लोग ये वोट मांगते हैं हिंदू मुस्लिम के नाम पर। अभी अयोध्या में जनता ने इनको वो तमाचा लगाया है अध्यक्ष महोदय, जिनका झटका अभी तक इनसे संभल नहीं पा रहा। और आज देश के अंदर जो स्थिति है अध्यक्ष महोदय, इतनी भयावह स्थिति है। आज ट्रेन ऐसा एक दूसरे से टकरा रहा है मानो मेन रोड में साइकिल और रिक्शा और ऑटो सब टकराते हो। यह हालत है अध्यक्ष महोदय। आज कंपटीशन चल रहा है कि रोड में ज्यादा एक्सीडेंट होगा कि रेल की पटरियों में ज्यादा एक्सीडेंट होगा अध्यक्ष महोदय। ये हालत है अध्यक्ष महोदय। अर्थव्यवस्था का ये हालत कि मनरेगा में इन लोगों ने पैसे घटा दिए, शिक्षा में पैसे घटा दिए, हमारे प्रधानमंत्री आवास के पैसे नहीं वापस करते। तो आज ये सरकार अपने बल पर, अपने ताकत पर खड़ा होकर, जहाँ 4 लाख गरीबों को आवाज देने की बात थी, हम लोगों ने 20 लाख से अधिक लोगों को आवाज देने का वादा किया है अध्यक्ष महोदय। और आने वाले 2-3 सालों के अंदर पूरे राज्य के लोगों का आवाज हम लोग दे देंगे अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, इस राज की रीढ़ की हड्डी, ऐसे जो निर्णय लेते हैं ये वही निर्णय ले सकते हैं जिनके शरीर के रीढ़ की हड्डी हो। आप लोग जैसे बिना दांत वालों के पास कुछ नहीं हो सकता। इनके नेता जो इनके सबसे बड़े नेता बनते हैं, इनको प्रदेश अध्यक्ष भी बनाया गया, पूछ लीजिए उनसे 5 साल में उन्होंने कितने सवाल सदन में पूछे हैं, लिखित या मौखिक रूप से पूछा है अध्यक्ष महोदय। तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि एक भी सवाल नहीं किया। और इन्होंने पूरे 5 साल सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक रोटी सेकने का काम किया अध्यक्ष महोदय। और आज जनता देख रही है और एक एक हिसाब लेगी अध्यक्ष महोदय। सरकार की एक एक निर्णय से इनके पसीने छूटे हुए अध्यक्ष महोदय। आज हम लोग उन्हें स्कूल ऑफ एक्सीलेंस बनाया अध्यक्ष महोदय, मॉडल स्कूल बनाया प्राइवेट स्कूल के तर्ज पर। और हम लोगों ने एक्सीलेंट टीचर भी उस स्कूल में बहाली करने का काम किया, ताकि आने वाला समय में हमारे बच्चे, हमारे नौनियाल प्राइवेट स्कूलों के बराबरी कर सके। अध्यक्ष महोदय, सावित्री बाई फुले योजना के माध्यम से लगभग 9 लाख बच्चियों को हमने जोड़ा। अभी अभी कल परसों अध्यक्ष महोदय में कुछ उस विषय में रिव्यू ले रहा था, तो मुझे पता चला अनुदान प्राप्त जितने भी स्कूल हैं, उन सब के स्कूलों के बच्चियों को अभी भी सावित्री बाई फुले से नहीं जोड़ा गया है। और उनकी भी संख्या बड़े पैमाने पर है जहाँ हमारी बच्चियां पढ़ती है। हमने ये निर्णय लिया है अब सावित्री बाई फुले की योजना उन स्कूलों के बच्चियों को भी देंगे, साइकिल भी देंगे और पोशाक भी देंगे। अध्यक्ष महोदय, बहुत सारी चीजें हैं इनकी करतूतें। अगर आप देखेंगे अध्यक्ष महोदय, इनके राज जो अभी 25-30 साल से राज कर रहे हैं गुजरात में, 5 साल में पूछिए कितना एग्जाम इन लोगों ने कंडक्ट किया है अध्यक्ष महोदय, 0 अंडा, एक भी इन लोगों ने एग्जाम कंडक्ट नहीं किया। सारा पेपर लीक आउट और एक की भी नियुक्ति नहीं कर पाए। ये इनके सुशासन का परिभाषा है अध्यक्ष महोदय। हम क्या बोले, अभी नेट की परीक्षा में लाखों बच्चों का भविष्य बर्बाद कर दिया इन लोगों ने। गुजरात से पेपर लीक हुआ, बिहार से पेपर लीक हुआ, लेकिन अखबारों में झारखंड से पेपर लीक हुआ बार बार यही आता था। क्या कीजिए, ऐसे आश्चर्य की बात नहीं है। अखबार वाले, टीवी वाले सब इनके जेब में, और आप तो ये कोर्ट को भी अपने जेब में रखने का दावा करते हैं अध्यक्ष महोदय। और होगा भी क्यों नहीं अध्यक्ष महोदय, मैं तो आश्चर्यचकित हूँ अध्यक्ष महोदय। देश में जजेस वीआरएस लेके भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय। अपने को संगी बोलने से भी नहीं उचकते अध्यक्ष महोदय। आज
देश में आदिवासी दलित पिछड़ा की स्थिति क्यों खराब है। आज हमारे राज्य में अगर ये डेमोग्राफी की बात करते हैं, बांग्लादेशी घुसपैठी की बात करते हैं और जाकर के साहिबगंज पाकुड़ और संथाल परगना में भाषण देते हैं तो पूछिए इनसे कि रांची में पॉपुलेशन किनके वजह से बढ़ा है, धनबाद में किसके वजह से बढ़ा है, जमशेदपुर में किसके वजह से बढ़ा है, बोकारो में किसके वजह से बढ़ा है। अध्यक्ष महोदय क्या बात करेंगे, अध्यक्ष महोदय जो विषय लेके ये आते हैं घुसपैठी बांग्लादेशी, अध्यक्ष महोदय ये सारी चीजें आवागमन जो है इस तरीके का अध्यक्ष महोदय या तो हवा से होता है या तो पानी से होता है अध्यक्ष महोदय या तो जमीन से होता है और तीनों में मालिकाना हक इन्हीं का है अध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी केंद्र शासित का है, उसमें हमारा कुछ नहीं। हम नदी से एक बाल्टी गंगा जल से उठा लें तो उसमें भी नोटिस हो जाता है अध्यक्ष महोदय। आज अर्थव्यवस्था का ये स्थिति कर दिया अध्यक्ष महोदय, आज हमारा 100 रुपया डॉलर के अपेक्षा में 85-86 रुपया चला गया, आज रुपया अपने पैर पर नहीं अपने सर के बल खड़ा हो गया अध्यक्ष महोदय, और ये दिन दूर नहीं ये लोग 200 रुपया तक इस रुपया का वैल्यू करने जा रहे हैं, हमारी स्थिति पाकिस्तान से ही बदतर करने की स्थिति में ले जाएंगे अध्यक्ष महोदय ये लोग। महंगाई तो ऐसा चढ़ा है अध्यक्ष महोदय, उसमें कौन सा फ्यूल डाल दिया इन लोगों ने समझ में नहीं आ रहा है, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। आज गरीब मजदूर भूखा नंगा रहने के लिए स्थिति इन लोगों ने पैदा कर दिया अध्यक्ष महोदय। आम गरीब मध्यवर्गीय लोगों का तो छोड़िए, स्मॉल इंडस्ट्री मीडियम इंडस्ट्री ये सारे डूब गए। और खाली पीठ थपथपाते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से अखबारों में और अखबार में इन लोग के बहुत बड़े गिरोह बड़े बड़े आलेख लिख लिख करके देश को संदेश देने का काम करते हैं, अधिक भ्रमित करने का काम करते हैं और उन्हीं का नतीजा है लोकसभा में पहले ये 10 साल तक चिल्लाते रहे कि भाजपा की सरकार है और आज बोलते हैं बैसाखी की सरकार है, एनडीए की सरकार है, ये हालत है अध्यक्ष महोदय। तो इसलिए अध्यक्ष महोदय बातें बहुत है, इनसे पूछिए कि काला चिट्ठा का क्या जवाब है इनके पास, जो 24 जिला में जो जमीन अधिग्रहण हुआ है, जो सरकारी जमीन पर जो आपने ऑफिस बनाया है, गैरमुजरा जमीन पर बनाया है, टाटा स्टील के क्वार्टर में जो ऑफिस बनाया है वो किसके आदेश पे बना। अध्यक्ष महोदय और जब हम नौकरी देने की ये में लग गए और जब लाखों लोगों को नियुक्ति दी जा चुकी थी सरकारी गैर सरकारी तरीके से अध्यक्ष महोदय, 1.5 लाख से अधिक लोगों को हम लोगों ने नियुक्ति दिया अध्यक्ष महोदय, जब हम इस पर आगे बढ़ने लगे तो मुझे ही जेल में डाल दिया, मुझे ही जेल के अंदर डाल दिया इन लोगों ने और इन लोगों एन के प्रकार अलग अलग तरीके से। और मैं आपको वादा के साथ कह सकता हूँ अगर अध्यक्ष महोदय अगर मैं 5 महीना और रहता बाहर रहता अध्यक्ष महोदय ये 5 लाख की संख्या भी बढ़ जाती है। क्या बात करते हैं अध्यक्ष महोदय, इसलिए इस तरीके के वातावरण में बहुत बोलने के अपना छाती जलाने की कोई जनता को मालूम है, कर्मचारियों को मालूम है, संघ को मालूम है कि हम लोग क्या करते हैं। अध्यक्ष महोदय कई संघों के लोगों ने तो हमें ये भी बताया है, ये संघ के लोगों को बुला बुला कर करते हैं कि क्या तुम लोगों का मांगे पूरा हुआ, नहीं आधा हुआ है, हेमंत सरकार ने आधा किया है, तो बोला पूरा तो नहीं हुआ ना, बोला कि चलो धरना में, लेकिन वो लोग बोलते नहीं हमें ये आशा है ये उम्मीद है कि हेमंत सोरेन ही हमारा समस्या का समाधान कर सकता है और आने वाला समय में भी इन्हीं को हम लोग जिता के लाएंगे, इन्हीं की सरकार रहेगी। और ये लोग गलत तरीके से प्रायोजित तरीके से आप देखिए
सहायक पुलिस वालों को इन लोगों ने नाजायज तरीके से बहाली लिया अध्यक्ष महोदय। सबसे अधिक उनको एक्सटेंशन पर हमने रखा अध्यक्ष महोदय। आने वाले समय में उनको विभिन्न पदों पर समायोजन करने की भी रास्ते हमने तय बनाया अध्यक्ष महोदय। जो वर्दी हम लोगों ने हड़ताल तोड़वाने के लिए लगाया बनाया था अध्यक्ष महोदय, वही आज हड़ताल कराने के लिए इन लोगों ने मजबूर कर दिया हम लोगों। और अग्निवीर की बात ही लोग अपने देश में ये लाते हैं अध्यक्ष महोदय, अग्निवीर जैसी योजना है जिसमें बोलता है कि 4 साल के बाद वो अग्निवीर घर जाके बैठ जाएगा। अभी अलग अलग तरीके से बहुत दिग्भ्रमित करने वाले बयान इनके केंद्र के नेता बोलते हैं अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय मैं आपको बताना चाहूंगा, सदन को बताना चाहूंगा कि अग्निवीर के विषय में भी हमारी सरकार एक मजबूत निर्णय लेने जा रही है कि जो भी अग्निवीर होंगे जिनकी नियुक्ति होगी और उनकी किसी घटना में मृत्यु होती है तो अनुग्रह अनुदान उनको विशेष रूप से दिया जाएगा और अनुकंपा पर उनके परिजनों को नौकरी भी हम लोग देंगे। हाँ पढ़ लो भाई, ये नारा भी पढ़ के बोल रहे हैं अध्यक्ष महोदय। ये हालत है इनके पास, नारा भी इंपोर्ट करके लेके आ रहे हैं और जाइए, ये हालत है, भटक गए हैं अध्यक्ष महोदय। ये इनका बैटरी डिस्चार्ज हो चुका है अध्यक्ष महोदय, अब इनको इनकी ये एक्सपायरी हो चुके हैं। और आपको हम बता दें, हर सदन जब सदन आता है, नया सदन आउट होता है चुनाव के बाद, तो 50% से अधिक विधायक घर बैठ जाते हैं। तो चिंता मत कीजिए, उन 50% में आप ही लोगों की संख्या सबसे अधिक है। हर सत्र की ये खूबी रही है अध्यक्ष महोदय, जिसने किया वो आया, जिसने नहीं किया वो गया। तो इसलिए अध्यक्ष महोदय बातें बहुत कुछ है, लेकिन हम लोग अपने काम, हमारे लक्ष्य बिल्कुल सामने है, साधा हुआ लक्ष्य हमारे पास अध्यक्ष महोदय। इनके इस शोर शराबे से हमारा रास्ता, हम भटकने वाले नहीं, ना हमारा लक्ष्य कहीं हटने वाला है अध्यक्ष महोदय। बिल्कुल मछली की आंख की तरह हम लोगों की लक्ष्य को हम लोग साधने जा रहे हैं और आने वाला समय में इनको हम राजनीतिक अखाड़े में भी मुंह तोड़ जवाब देंगे, चाहे वो कहीं से भी कोई भी इंपोर्ट करके ये नेता लेके आए, उनका भी हम लोग सामना करेंगे अध्यक्ष महोदय। पारित करा जे सरना कोर्ट हो अड़ी उसरे की लागू आ तो वोट हां जैसे की तीगो ना और वोट जैसे की तीगो ना तैसे की ना अब सरना कोर्ट बन जामा ठीक है। इनका को मेन छु कोदा कार्यपालिका रे ठीक है। तो हां तिया वीडियो ना देखो को तू ना आपे आ रहा है कमेंट ले पे मैं खान तिया वीडियो बस इनका के जो तक मुझे सगुन जोहार झारखंड।